आपके पास आऊं, लेकिन ये जरा सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, अपने घर के मंदिर में वो पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान के बारे में एक बात हमेशा से कही जाती है कि उन्हें पूजा पाठ का बहुत शौक है। वो दिन की शुरुआत हमेशा से ही भगवान के श्री चरणों में नमन के साथ करते हैं। कुछ भी आप क्या बोलेंगे सर? मैं सभी बहनों और भाइयों से, भांजे भांजियों से यही अपील करता हूं कि लोकतंत्र का महाउत्सव है चुनाव, और मतदान यानी वोट डालना लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए वोट जरूर डालें, पहले मतदान करें, बाद में कोई और काम। मेरी सभी से अपील है कि हर एक भाई और बहन मतदान जरूर करें। तो सर, मध्य प्रदेश के विदिशा में भी इलेक्शन है, जहां से आप जो आपकी सीट है, तो उस पर क्या बोलेंगे आप सर? ये अद्भुत चुनाव है, जनता ने मुझे असीम प्रेम स्नेह और आशीर्वाद इस चुनाव के प्रचार के दौरान दिया है। बहनों ने आरती उतारी, पैसे मेरे हाथ में दिए चुनाव लड़ने के लिए, बच्चों ने गुल्लकें भेंट की, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं प्रेम के सागर में, प्रेम की लहर पर सवार होकर ये चुनाव लड़ता रहा। ये मेरा नहीं, जनता का चुनाव है और जनता ही लड़ रही है, और मैं और जनता एक है, एक परिवार। मैं जनता का सेवक और जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा, तो मैं तो सेवा भगवान की पूजा मान के इस जनता की करता रहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं जनता का सेवक हूं, पुजारी हूं, ये कहते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आए। और देखिए जरा ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर देखिए वहां पर, क्योंकि आज शिवराज सिंह चौहान के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की सियासत को लंबे अरसे से वो चलाते नजर आए, 15 साल बतौर मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद